दोस्तों हमारे चैनल डिलीशियस प्लैनेट में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लीक प्रूफ वाटर टैंक फिटिंग के बारे में जानेंगे, जिसे मशहूर व मारूफ प्लम्बर आसिम अंसारी पेश करेंगे, जो कि प्लम्बिंग में अपना सानी नहीं रखते। इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट पेश खिदमत है। दोस्तों आज हम आपको टाकी वाटर प्रूफ टाकी फिटिंग करना सिखाते हैं। इसमें क्या क्या आइटम लगने वाला है और क्या क्या आइटम जरूरी होता है, आइए आज आपको बताते हैं। ये वाल है जो कंपलसरी टाकी में लगता है, ठीक है। ये दो अपना टाकी निकाल देते, ये दोनों में एक्टिव है। ये टाकी निकल इसको अपन 1 इंच का भी लगा सकते हैं और 1.5 का भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल 1 इंच का लगाएं तो अच्छा रहता है, लेकिन क्योंकि अपन जहाँ लगाने वाले हैं वहाँ ऑलरेडी पहले से 1.5 की फिटिंग है, ये 1.5 का साइज है, यहाँ पे लिखे भी रहता है, आप देख सकते हैं। और ये दो यूनियन है, एक 1.5 का और एक 1 इंच, ये टाकी में जरूरी रहता है। और ये अपना टी वगैरह है, एल्बो है, आप देख सकते हैं। अब हम अपनी टाकी में होल मारेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से टाकी फिटिंग करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। रख देते हैं टाकी में होल वगैरह मार के, आपको आज बेहतरीन टाकी फिटिंग करना बताएंगे जो कभी लिखी थी। सबसे पहले अपन टाकी सामान आ गया अपना, अपन टाकी ऊपर रख के देखेंगे अपनी टाकी बरोबर है कि नहीं, अपने को किस तरह से रखना है वहाँ पे मार्किंग वगैरह करने का। कभी कभी कैसा टाकी छोटी बड़ी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छा होने वाला है। अपन फिर भी टाकी ऊपर रखते अपन अपना गेटअप देखेंगे कितनी जगह अपने को चाहिए, कितनी अपनी टाकी आएगी, कितना होने वाला अपने को बचाना है, कितना फिटिंग के लिए अपने को चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये अभी अपन ऊपर डालते हैं, बताते हैं ताकि हम ऊपर क्यों रखते हैं। देखो इधर ये प्लेन मार्का है और पीछे सेट में अपना कितने लीटर की टाकी है वो लिखा होगा। अगर यहाँ से अपन डालते तो अपने को कल मालूम नहीं पड़ेगा, कभी देखना है कितने की, सामने डालेंगे तो गेटअप भी अच्छा रहता है और मालूम पड़ता है अपने को कितने की टाकी है, कितने लीटर की टाकी है। देखिए दोस्तों हम इसको ऊपर डालते हैं अभी, इसके बाद अपन बताएंगे आपको इसको ऊपर क्यों रखे अपन, ठीक है। टाकी का लुक आपको अच्छा लग रहा होगा और अपना ये सामने है कितनी लीटर की टाकी है। अभी अपन इसमें मार्किंग करने जा रहे हैं, मार्किंग करेंगे रख के तो अच्छा रहेगा, बाद में गलती नहीं होती, ठीक है। कभी भी यहाँ पे होल 1 इंच छोड़ के मारने का, कोई कोई नीचे मार देते बाद में बहुत हैरानी होती है, फिटिंग हो नहीं पाती है, लीकेज करता है बार बार। अपना यहाँ पे आउटलाइन रहेगा और यहाँ पे ओवर, ये जगह पे अपना काम हो रहा है तो ज्यादा आगे देखे मतलब नहीं है, तो अपना अंदर 3 मिनट डाल लेंगे, ठीक है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे किस तरह से निप्पल वगैरह फिट करने का है जो कभी भी लीकेज नहीं होए, ठीक है। इसके आगे का प्रोसेस हम पार्ट सेकंड में देखेंगे। आइए आज की इस वीडियो में हम लीक प्रूफ वाटर टैंक फिटिंग का आगे का प्रोसेस देखते हैं, जिसे हमारे प्लम्बर आसिम अंसारी पेश करेंगे। ये दोस्तों ये अपने टाकी है, यहाँ से 1 इंच ऊपर कभी भी होल मारना है, ड्रिल से भी होल होता है लेकिन अभी ड्रिल अपने पास नहीं है, अपने निप्पल से होल मार रहे हैं।
करते टाइम कभी भी निप्पल हिलाने का नहीं, इससे होल बड़ा हो जाएगा, बाद में फिटिंग नहीं होएगा और ताकि लीकेज करेगा। निप्पल को सिर्फ थोड़ा अंदर जाना चाहिए, ज्यादा अंदर जाएगा तो होल बड़ा हो जाएगा। फटाक से ताबड़ तोड़िए अपन साफ कर देने का, इससे निप्पल अच्छा बैठेगा। कुछ लोग साफ नहीं करते, ऐसे ही लगा देते हैं, बाद में लीकेज करता है, वैसा काम नहीं करने का, थोड़ा टाइम लगता है, अच्छा काम होता है। आप लोग उस तरह से होल होना चाहिए, कभी भी अपना निप्पल ये एकदम टाइट होना चाहिए, फुल टाइट रहेगा, पानी लीकेज नहीं करेगा। और देखो यहाँ पे ये बाउंड्री निकली हुई है, अगर इसको अपन ऐसे ही लगा देते हैं तो अपना निप्पल जो है क्रॉस हो जाएगा और यहाँ से पानी लीकेज होगा। वाइसर ये बाउंड्री के ऊपर आ रहे हैं, कंपनी बना के दी है, कुछ अच्छा करना चाहिए कंपनी को यहाँ पे, लेकिन आप नहीं करते। बहरहाल अपने को ये इसको थोड़ा घस देना चाहिए, घसेंगे तो अच्छा रहेगा, वाइसर फिट बैठेगा और यहाँ से कभी लीकेज नहीं होगा। यहाँ थोड़ा घस के क्लीन कर देने का तो अपना वाइसर सही बैठे और लीकेज की कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे एकदम क्लीन हो चुका है, यहाँ पे अपना वाइसर बैठेगा, कभी लीकेज होएगा नहीं इस तरह से। होल निप्पल थोड़ा अंदर डालने का, ज्यादा मतलब ताकत नहीं लगाने का, तो उससे अपना ये फिट टाइट होएगा, ऐसा फिट रहेगा तो लीकेज नहीं होगा। इतना फिट जाना चाहिए, ठीक है। हम आपको बताएंगे किस तरह से निप्पल की फिटिंग करना चाहिए जो कभी लीकेज नहीं हो। एक निप्पल ये देखो, यहाँ भी ये इतना टाइट है, इसको अपन टाइट कर रहे हैं तो बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, ढीला रहेगा ज्यादातर लीकेज होता ही है, इसके लिए इसको फुल होल जो है एकदम लेवल में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने एक्टिव टाइट कर दी है, इसमें एक्टिव टाइट कर रहे हैं, इसी तरह से इसमें भी आप कर सकते हैं। एक्टिव टाइट करते टाइम कभी भी ताकत नहीं लगाने का पानी से, इसको हाथ से टाइट करने का। ये देखिए हाथ से एक्टिव टाइट हो गया, अभी हम इसमें अपना लीक प्रूफ है, इसको होल्ड टाइट भी बोलते हैं। आप अगर इसको लगाते हैं तो कभी लीकेज नहीं होता, बहुत लोग नहीं लगाते, खाली वाइसर पर रख देते हैं, टाइट कर देते हैं, इससे हमेशा लीकेज होता है। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक वाइसर है, इसको ऊपर करके इसके अंदर भी थोड़ा लगाने का, कहीं से भी पानी लीकेज नहीं होगा। तो वाइसर बिठा दिए, अब ये वाइसर के ऊपर भी अपने लगाएंगे। एकदम अच्छे से लगाने का तो ये कभी आपका निप्पल ताकि लीकेज नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप टिप ना टिप मार सकते हो, लेकिन एकदम कम,
ज़्यादा मारेंगे वाइजर फैल जाएगा, एकदम मामूली सा एक मिनट टिक लगाना है, तो इसको टाइट करो। यहाँ पे लकड़ी से भी लगा सकते हैं आप, आपने हाथ में दस्ताना पहन के भी लगा सकते हैं, तो मैं दस्ताना नहीं पहना हूँ। देखिए इतना टाइट है, इसमें अंदर का नट भी अगर नहीं लगाएंगे तो भी लीकेज नहीं करेगा, लेकिन हम लगाएंगे। देखिए कितना ज्यादा मतलब टाइट हो रहा है, यहाँ से पानी लीकेज होएगा ही नहीं। आप अगर ये नहीं लगाते हैं तो ये लीकेज होने का खतरा बने रहे। पानी से नहीं कट करने का, हाथ से कट करने का, प्लास्टिक का निप्पल रहता है स्लिप हो जाता है, हाथ से कट करने तो उसको इस तरह से चारों तरफ से घुमा दें, इस तरह से करेंगे तो ये कभी लीकेज नहीं होगा। दूसरे में भी इसी तरह से लगाएंगे। इसके आगे का प्रोसेस हम पार्ट थर्ड में देखेंगे। आइए आसिम अंसारी के जरिए पेश किया गया लीक प्रूफ वाटर टैंक फिटिंग का पार्ट थर्ड देखते हैं। इनलेट का भी होल मार देते हैं, तो आप लोग को मालूम ही रहेगा। तो थोड़ा घुमा देने का, यहाँ से टाकी भरने के लिए पैप डालेंगे आपको बाद में दिखाई नहीं, टाकी पूरा फुल हो जाएगी। तो आराम से मारने का, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हमने ये एक इंच का टाइट किए थे, ये कोने का भी अपन टाइट कर रहे हैं, इसमें भी अपन लगा रहे हैं दो टाइट। कितना ज्यादा मतलब टाइट हो रहा है, एकदम फिट है। ये अंदर का वाइसर है और नट है, अगर इसके लगा देते हैं आप लोग तो पानी लीकेज होने का कोई सवाल ही नहीं, पानी लीकेज होगा। थोड़ा लगा देने का, देखा आपने कितना ज्यादा ये मतलब कभी भी होल ऐसे ही मारने का जो इतना फूटा रहेगा, पानी लीकेज जरूर करेगा दो चार साल के अंदर, लेकिन ऐसा कभी लीकेज नहीं करेगा।
तो हमने यहाँ पे जो इसको सीखना किए थे तो इसको जो कसे टाकी थे देखो वाई सर अभी एकदम बराबर बैठा है, अगर नहीं घसते तो ये लीक होने का खतरा था। अभी हम आपको टाकी ऊपर रख के बताएंगे ताकि किस तरह से फिटिंग हो। तो इसको देख लीजिए होल्ड टाइट है, इसको लगाने के बहुत फायदे हैं, आपकी कभी लीकेज नहीं होगी आपकी। आइए दोस्तों अब बताते हैं आपको ताकि जो अपना थोड़ा बचा हुआ है इस तरह से आगे मारने का बोलवाल कर दे, ठीक है। कभी भी जरूरत पड़ती है अपने को अपने यहाँ से बोलवाल बंद करके पानी पूरा बंद कर सकते। मेरे को यहाँ देखना है कि अपने को कितनी जगह यहाँ पे फिटिंग के लिए मिल रही है, तो अपने को ये यूनियन एक एयर पाइप और एक बोलवाल ये अपने को तीनों मारना है, फिट करना है, ठीक है। अपने थोड़ा थोड़ा टेप रखी है कभी कल के दिन अगर अपने को टाकी उतारनी पड़ती है तो आसानी से उतर जाए, और कोई सामान अगर खराब हो जाता है तो बदली भी हो जाए। इसके अंदर कभी भी ज्यादा अंदर तक सिलेशन नहीं मारने का, तो गोटी जाम हो जाएगी। इसके आगे का प्रोसेस हम पार्ट 4 में देखेंगे दोस्तों। पार्ट 1 से पार्ट 3 की वीडियोस में आपने वाटर टैंक की फिटिंग के लिए लगने वाले रिक्वायर्ड मटेरियल और वाटर टैंक पर सेफली होल किस तरह करते हैं ये देखा है। अब हम आगे की वीडियोस में वाटर टैंक की फिटिंग को सिस्टमेटिकली देखेंगे, जिसे बड़े ही दिलचस्प अंदाज में आसिम अंसारी पेश करेंगे। आइए इस लीक प्रूफ वाटर टैंक फिटिंग का पार्ट 4 देखते हैं। अपना बोलवाल है, इसके अंदर कभी भी ज्यादा अंदर तक सिलेशन नहीं मारने का, तो गोटी जाम हो जाएगी इसके अंदर जो रहती है। फिटिंग करते टाइम दोनों साइड पे कभी भी सिलेशन लगाने का बाहर और अंदर से कभी लीकेज नहीं होएगा। ये एयर पाइप है अपना, इसको जगह के हिसाब से कहीं भी मार सकते हैं, यहाँ भी मार सकते हैं और कहीं भी मार सकते हैं। इसको कभी भी इधर से पानी आता है वो साइड से मारने का, उल्टा नहीं मारने का इसको।
सीधा काटने का। यहाँ जगह बची हुई है, हम यहाँ पे एयर पैक मारेंगे, तकलीफ नहीं हो और खराब भी नहीं। तो हमने यहाँ पे अपनी टी आ गई है, यहाँ से एयर पाइप हो जाएगा, इसको बाद में मारेंगे, पहले यहाँ से बाकी फिटिंग करेंगे। फिलहाल अपनी आउटलाइन जोड़ रहे हैं। पट्टा हमेशा ऊपर रखने का, तो सामने का मार्किंग पट्टा रहता है, उससे बाइक का भी पता चलता है और खूबसूरत लगता है। माप लेने वाले टेप से भी ले सकते हैं आप लोग, लेकिन टेप से लेंगे तो अच्छा रहेगा। लीक प्रूफ वाटर टैंक फिटिंग का प्रोसेस अभी जारी है, हम इसे पार्ट 5 में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही हैरत अंगेज और दिलचस्प वीडियोस देखने को मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोज़ के इमीडिएट नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल बटन पर क्लिक कीजिए।